उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच वर्षों बाद एक बार फिर से रिश्ते तलखी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो इंडिया गठबंधन को यह साफ कर चुके हैं कि बसपा से गठबंधन होने की सूरत में वो साथ नहीं रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ मायावती भी अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर अपना आक्रामक रुख दिखा रही है। पिछले दो दिनों से मायावती लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वो अचानक से स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाने लगी हैं और बसपा कार्यालय की सुरक्षा को लेकर भी अनहोनी की आशंका जता रही। सवाल यह है कि जिस गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर उन्होंने अखिलेश डिंपल को मंच पर आशीर्वाद दिया था, मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा किया था, वो फिर कैसे याद आ गया? क्या वाकई मायावती को खतरा लग रहा है? मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। पूरा मामला समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे से शुरुआत करना होगी। 2017 में भाजपा की सत्ता पर जोरदार वापसी से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल सपा और बसपा के इर्द गिर्द ही समटा होता था। 90 के दशक से लेकर 2012 तक के विधानसभा चुनाव गवाह हैं कि दोनों पार्टियों को इसका लाभ भी खूब मिला। दोनों ही दलों ने इसकी आपसी विरोध के चलते कई बार गठबंधन सरकार और एक एक बार बहुमत की सरकार भी बनाई। सवाल यह है कि क्या पुरानी प्रतिद्वंदता फिर से जिंदा होने का लाभ इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले। हाल ही के कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालें तो कहानी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पहल पर मायावती ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो अखिलेश को निराशा मिली और मायावती कुछ पॉजिटिविटी उन परिणामों से मिली। कुल मिलाकर गठबंधन को 15 सीटें मिली, जिसमें से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 और मायावती की पिछली सीटों पर बढ़ोतरी हुई और उन्हें 10 सीटें मिली। लेकिन मायावती ने यह कहकर उस गठबंधन से किनारा कर लिया कि समाजवादी पार्टी को तो बसपा का वोट मिला लेकिन बसपा को सपा का वोट नहीं मिला। लेकिन अगर सच्चाई देखें तो तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं, यानी बसपा को उस गठबंधन से फायदा हुआ था तो वहीं अखिलेश यादव को बसपा से गठबंधन करने के बाद खासा नुकसान झेलना पड़ा था। बहरहाल मायावती के गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को जोड़ने के बड़े प्लान पर काम करना शुरू किया। उन्होंने बसपा के ही कई दिग्गज नेताओं को अपने पाले में किया। आज अखिलेश यादव पीडीए प्लान यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ लाने की मुहिम में जुटे हैं। बात करें ताजा घटनाक्रम की तो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो समाजवादी पार्टी अलग विकल्पों को तलाशेगी। जब ये खबरें मीडिया में आई और बसपा सुप्रीमो ने अपने नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद को जब नियुक्त किया तो उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लगता है कि इंडिया गठबंधन के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो बीजेपी से कम और बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अखिलेश अब सार्वजनिक तौर पर अपने तंज भरे अंदाज में बसपा से किनारा करते नजर आने लगे। पिछले दिनों बलिया में जब बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि उनकी यानी मायावती की जिम्मेदारी कौन लेगा। अखिलेश का बयान आया तो जवाब में मायावती बेफर उठी। उन्होंने न सिर्फ अखिलेश को गिरबान में झांकने की नसीहत दे डाली बल्कि मुलायम सिंह यादव को भी लपेटे में ले लिए। इस दौरान मायावती मुलायम सिंह यादव के उस भाषण को भी याद दिलाती हुई दिखाई दी जब उन्होंने संसद में नरेंद्र मोदी सरकार को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने 24 घंटे के बाद एक्स के माध्यम से सपा पर फिर हमला किया। इस बार उन्होंने सपा से 2019 गठबंधन करने पर सफाई दी और स्टेट गेस्ट हाउस कांड की यादें ताजा करते हुए बसपा कार्यालय की सुरक्षा की गुहार तक लगा दी। मायावती ने लिखा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि इसके बाद मायावती ने अब तक का सबसे बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया पर लगाया। उन्होंने कहा कि बसपा कार्यालय के बाहर एक फ्लाईओवर बनाया गया और ये फ्लाईओवर समाजवादी पार्टी ने षड्यंत्र के तहत बनाया ताकि वो बसपा कार्यालय पर हमला कर सकें और उसके खिलाफ सुरक्षा में चूक के साथ षड्यंत्र रच सकें। वहीं मायावती ने इस दौरान योगी सरकार से सुरक्षा प्रदान करने की भी गुहार लगाई, जो कहीं ना कहीं बड़े आरोपों में तब्दील होती दिख रही है और लगातार इस पर बयानबाजी भी हो रही है। मायावती ने अपना यानी कि खुद का और बसपा कार्यालय को खतरा भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से बता दिया। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर अगर गौर करें तो अखिलेश की रणनीति साफ दिख रही है। वो पीडीए के अपने फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। 2019 में वो बसपा से गठबंधन का खामियाजा उठा चुके हैं।
वो अब दोबारा बसपा से करीबी के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो दोबारा किसी गठबंधन से बच रहे हैं जिसमें बसपा और सपा साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ मायावती के लिए चिंता की बात यह है कि बसपा इस समय राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। पार्टी के कई दिग्गज नेता उनसे दूर हो चुके हैं। 2019 में जीते सांसद भी दूसरी पार्टियों के संपर्क में। बसपा की ताकत माने जाने वाले दलित वोट बैंक पर 2017 के बाद से भाजपा बड़ी सेंध लगा चुकी है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी पार्टी से मुंह मोड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में मायावती का ये स्टेट गेस्ट हाउस की यादें ताजा करने का दांव कितना चलेगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श, आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन।